फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ हर टाइप की शेडिंग और अलग अलग शेप्स जिनको आप 3D बना सकते हैं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि एक साइड से लाइट आ रही है तो दूसरी साइड शेडो आती है तो वो उसे 3D दिखता है। तो आप उसको बना कैसे सकते हैं, उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, मैं आज आपको वो सिखाने वाली हूँ। आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि उसी के बाद हम ये प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस आपको वो करना है, आपको चार्ट बनाना है, उसकी आपको 30 डेज तक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप 3D शेप्स पर आएंगे। तो आप रेगुलर अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने चार्ट बना लिया है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, और आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ आप उसे भी कंप्लीट कर प्लीज़ DM ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग, और शेडिंग के लिए आपको अलग अलग टाइप की पेंसिल्स यूज़ करना चाहिए, जैसे 2B से लेकर 8B तक। 2B पेंसिल हम यूज़ करेंगे लाइट शेड के लिए और उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे डार्क की ओर। 2B के बाद आती है 4B पेंसिल, 4B से और डार्क शेड होगा, उसके बाद आएगी 6B पेंसिल, उससे और डार्क होगा, और अगर आपको सबसे डार्क करना है तो आप 8B और 10B पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। पर आपको अगर 2B से लाइट शेड चाहिए तो आप HB पेंसिल यूज़ कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट होती है हैचिंग, तो हम उसे करेंगे लाइट टू डार्क के साथ। पहले हम लाइट करेंगे, फिर हम उसका धीरे धीरे डार्क शेड करते जाएंगे। आपको पहले पेंसिल थोड़ा लाइट चलानी है, फिर आपको उसको थोड़ा थोड़ा डार्क करते करते नीचे की ओर आना है, फिर आप उसे पूरा डार्क कर दीजिए। सेकंड होता है क्रॉस हैच, इसमें आपको पहले हैचिंग के जैसे लाइट टू डार्क आना है, देन इसके बाद आपको क्रॉस करते हुए इसे नीचे आना है लाइट टू डार्क की ओर। देख सकते हैं आप लाइट टू डार्क की ओर पूरे शेड प्रॉपर आ रहे हैं। आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है स्ट्रिपल, स्ट्रिपल में आप डॉट डॉट करके लाइट टू डार्क लेकर आएंगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत हार्ड है, सो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं शेडिंग में स्ट्रिपल को, आप भी कर सकते हैं। ये सब बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है स्केचिंग में, या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं कि आप अलग अलग टाइप के स्केचेस बनाना चाहते हैं, तो आप हैच, क्रॉस हैच, स्ट्रिपल, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए। नेक्स्ट है स्कम्बल, ये हम ऐसे करेंगे लाइट टू डार्क की ओर। पहले हम लाइट करेंगे, देन फिर नीचे आते आते आपको थोड़ा सा हार्ड पेंसिल चलानी है जिससे वो डार्क होता जाएगा, और अगर आपसे डार्क नहीं चल रही है तो आप उसके ऊपर से एक दो बार और ओवरलैप कर दीजिए, तो वो डार्क शेड अपने आप दिखाई देने लगेगा। फिर हम आएंगे और डार्क की ओर। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ किया है इसे बनाने में। अगर आपसे एक पेंसिल से शेड नहीं हो पाते हैं लाइट टू डार्क, तो आप अलग अलग पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2B, 4B, 6B और 8B, अलग अलग शेड के लिए। इसके बाद हम आएंगे स्मज पर, इसे भी हम सेम करेंगे लाइट टू डार्क। पहले हमने लाइट शेड किया इसे, फिर इसे थोड़ा सा डार्क किया उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए, और फिर इसे फाइनली पूरा डार्क कर दिया। इसमें हमने 3 शेड का यूज़ किया है, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन। इसे हम किसी भी टूल की मदद से या ईयरबड की मदद से स्मज कर देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल।
ट्राइंगल के बाद मैं आपको इसमें शेड करना बताती हूँ। आपको डार्क टू लाइट लेकर जाना है। आप यहाँ पर पहले डार्क शेड करें, फिर आप इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएं। आपको लाइट शेड पर आना है और आपको इसकी हर शेड पर, हर शेप पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी से आपकी स्केचिंग भी परफेक्ट होगी और आपकी शेडिंग भी। आप छोटे छोटे शेप्स बनाइए या बड़े बड़े बनाइए, पर आप शेडिंग प्रॉपर कीजिए। जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर में आपको इस साइड में डार्क लेना है, इस साइड में लाइट लेना है। जैसे यहाँ पर डार्क लिया है और यहाँ पर लाइट लिया है। फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल में आपको एक साइड में लाइट लेना है इस साइड में, और यहाँ पर आपको लेना है डार्क। फिर हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, सिलेंडर में आपने देखा होगा कि दोनों साइड से डार्क आएगा और बीच में लाइट आएगा। ये इसमें लाइट अभी नहीं आ रही है, पर आप हमेशा, अगर आपको लाइट का सोर्स पता नहीं है कि लाइट कहाँ से आएगी, आपको कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, तो आप दोनों साइड से डार्क लीजिए और बीच में लाइट लीजिए, क्योंकि ये कर्व होता है। तो कर्व में ऐसा होता है कि पीछे की साइड से डार्क होता है और जो फ्रंट होता है वो लाइट होता है। तो आप दोनों साइड से डार्क लीजिए और बीच में लाइट शेड कीजिए। तो यहाँ से भी आपको डार्क लेना है, इस साइड से भी आपको डार्क लेना है, और बीच में आपको लाइट लेना है। वैसे ही हम रेक्टेंगल में भी करेंगे। रेक्टेंगल में आप शेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक साइड से डार्क और अपोजिट साइड से भी डार्क लीजिए और बीच में आप लाइट शेड कीजिए। तो इससे आपकी शेडिंग की भी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ भी आएगा कि आपको कैसे एक शेड से दूसरे शेड की ओर लेकर जाना है, डार्क टू लाइट लेकर जाना है, और फिर से आपको लाइट टू डार्क लेकर जाना है। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं 3D बॉल। 3D बॉल ड्रॉ करने के लिए हम पहले सर्कल बनाएंगे और उसमें शेड्स करेंगे। शेडिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसके पहले सीखी है। आपको लाइट टू डार्क शेडिंग करनी है, और जब आप इसका रिवर्स शेड की प्रैक्टिस कर लें, तो आप डार्क टू लाइट शेडिंग की भी ड्रॉ करके और बॉल बना सकते हैं। तो अभी तो हम लाइट टू डार्क लेकर जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले सर्कल बनाइए, देन फिर लाइट शेड कीजिए। आपको एक ही डायरेक्शन में शेड्स लेकर जाना है। अब इसके बाद हम इसके साथ साथ डार्क की ओर जा रहे हैं। इसके बाद मैंने डार्क शेड करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा और डार्क करेंगे। देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा 3D लुक आ रहा है शेडिंग से ही, पर ये प्रॉपर तब तक नहीं आएगा जब तक हम इसकी शेडो नहीं बना देते हैं। शेडो बनाने के बाद ही ये प्रॉपर 3D बॉल दिखेगी। हम इसमें शेडो ड्रॉ करेंगे। शेडो ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। आप बिल्कुल लाइन ना बनाएं शेडो की। आपसे ऑब्जेक्ट के पास में से हल्का सा आप एक मेजरमेंट ले लीजिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक शेडो बनानी है। उसके बाद आपको आगे उसे ब्लर करते जाना है। आप प्रॉपर ड्रॉ करते करते उसे ब्लर कर दें। अब हम इसमें सबसे डार्क शेड करेंगे। मैं फिर से यहाँ पर सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, पर आप अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग शेड के लिए। हमने अब डार्क शेड कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ, आपने पहले इसे डार्क शेड किया है, फिर मैंने इसे हल्का सा लाइट शेड दिया यहाँ पर। फिर आप कोई भी टूल ले सकते हैं। मैंने ईयरबड का यूज़ किया है। ईयरबड का यूज़ करके आप इसे लाइट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसे ब्लरिश लुक दे रही हूँ मैं इसी तरीके से। और आप थोड़ा बहुत इसे फिनिशिंग दे सकते हैं रबर से। शेडो में भी आप थोड़ी सी फिनिशिंग दे सकते हैं, जहाँ से भी ये बाहर आ रहा है या फिर जहाँ से भी थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में ये सब करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप परफेक्ट, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप परफेक्टली बना पाएंगे। अब हम कोन ड्रॉ करेंगे। कोन में भी सेम होगा, पहले हम लाइट शेड करेंगे।
देन हम उसे ग्रेजुअली डार्क की ओर लेकर जाएंगे। देख सकते हैं आप पूरा डार्क करने के बाद इसे ईयरबड्स से बिल्कुल स्मज कर सकते हैं। अब मैं इसकी शेडो ड्रॉ करूँगी। शेडो भी आप ट्रायंगल में ही ड्रॉ कीजिए इस टाइप से। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट के पास में आपको डार्क शेड करना है और शेडो में, और दूर जाते जाते वो लाइट होता जाएगा और ब्लर भी होता जाएगा, तो आप इसे डार्क टू लाइट लेकर जाइए। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अब मैं इसमें आपको लाइट्स बताती हूँ कि लाइट्स कहाँ पर आएगी और शेडो कहाँ पर आएगी। ये आपकी बॉल है, बॉल में अगर आपकी लाइट इस साइड से आ रही है तो शेडो बनेगी अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड भी आपको बनाना है तो उसमें डार्क टू लाइट की ओर लेकर जाएंगे आप। फिर अब आपकी लाइट आएगी अगर इस साइड से, तो शेडो इस साइड बनेगी अपोजिट साइड, और अगर लाइट आई ऊपर से तो उसके ऑब्जेक्ट के नीचे शेडो बनेगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट के पास में डार्क रहेगा और ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाते लाइट होती जाएगी शेडो। इसमें भी सेम है, अगर लाइट यहाँ से आएगी तो आपकी शेडो बनेगी इस साइड, अगर लाइट इस साइड से आएगी तो शेडो बनेगी इस साइड, और अगर लाइट ऊपर से आएगी तो शेडो बनेगी नीचे की साइड। और हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड डार्क और अपोजिट साइड लाइट होता जाएगा। सो, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है 3D शेप ड्रॉ करना, और उसमें कैसे शेड करते हैं, कहाँ पर लाइट आती है और कहाँ पर से शेडो बनती है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया बॉल और कोन। वैसे ही आप अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप उसमें वैसे ही शेडिंग कीजिए और आप वैसे ही शेडो बनाइए। आप लाइट टू डार्क नहीं लेकर जाना चाहते तो आप सिलेंडर वाला शेप बनाइए, उसमें आप दोनों साइड डार्क कीजिए और बीच में लाइट शेड कीजिए, तो इसमें आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और आपकी शेडिंग भी प्रॉपर होती जाएगी। सो, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग नया कुछ बताने वाली हूँ, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। थैंक यू सो मच।